वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम लोगों का आज का सेशन है कट कमांड इन लिनक्स विद एग्जांपल्स। तो अभी हम लोग ये सेशन में देखेंगे कट कमांड। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा था अलग अलग कमांड्स, ठीक है। हम लोगों ने फाइल सर्च कमांड्स देखी थी, फिर उसके अलग अलग पैटर्न्स देखे थे, राइट। फिर हम लोगों ने देखा था कि टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट जो है वो कैसे करके सर्च करते हैं, ओके। तो अब इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कट कमांड। तो देखते हैं कट कमांड हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ये फाइल ली है, ठीक है। इसका नाम है state.txt और इसमें मैंने पांच राज्यों का नाम लिखा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये मैंने पांच राज्यों के नाम लिखे हैं। अब इसके ऊपर हम लोग कट कमांड का यूज करेंगे और हम लोग देखेंगे हम लोगों को अलग अलग कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो पहला कट कमांड का एक ऑप्शन होता है बी। बी मतलब बाइट, एक बाइट होता है। तो एक बाइट मतलब एक कैरेक्टर हो या स्पेस हो, सब कुछ बाइट में काउंट होता है। तो वो जो बाइट है उसके हिसाब से हम लोग कट कर सकते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स हो गया ये लिस्ट विदाउट रेंजेस, मतलब कोई भी इसमें हम लोग लिमिट नहीं देंगे, ठीक है। इसमें कोई मतलब रेंज का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक। तो ऐसा कोई भी रेंज हम लोग नहीं देंगे इसको। और इसका सिंटैक्स है डॉलर कट बी 1 2 3। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला कैरेक्टर जो है, बाइट जो है वो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं अभी पहले का क्या था, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो पहले का ये AND हम लोगों को मिलेगा, फिर ARU हम लोगों को मिलेगा, ASSS ऐसे सब कुछ मिलेगा, फिर BIH और CHH। तो ऐसे करके हम लोगों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैरेक्टर सेट मिले। तो ऐसे अगर हम लोगों को आउटपुट चाहिए तो हम लोगों को इस तरीके से कट कमांड का यूज करना है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट विथ रेंजेस, मतलब क्या। यहाँ पे हम लोगों ने रेंज दी है, राइट। जैसे कि कट बाइट फर्स्ट टू थर्ड और 5 to 7, मतलब मुझे 1 से 3 तक, मतलब कौन से बाइट चाहिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। और यहाँ पे 5th to 7th, मतलब कौन से चाहिए, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर वाला, ठीक है। इसके बीच में जो 4 नंबर है ये हम लोगों का कट हो जाएगा, ओके। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा है, फर्स्ट वाला, ये वाला है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया हम लोगों की फर्स्ट रेंज AND। और क्या चाहिए हम लोगों को, 5th to 7। तो हम लोगों को फिफ्थ वाला कौन सा बाइट है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ वाला है R, सिक्स वाला है A और सेवेंथ वाला क्या है, स्पेस, ओके। यहाँ पे हम लोगों को कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, लेटर नहीं है, स्पेस है। तो ये स्पेस भी वो बाइट में काउंट होता है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट, इसीलिए हम लोगों को आउटपुट आएगा ये ANDRA। वैसे ही इस तरीके से बाकी सबके आउटपुट आएंगे, ओके। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, इन दिस वन इंडिकेट फ्रॉम फर्स्ट बाइट टू एंड बाइट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट बाइट से स्टार्ट होना है हम लोगों को, फर्स्ट और डैश है, 1 डैश, फाइल का नाम है state.txt। तो हम लोगों को ये पूरा ही मिल गया। यहाँ पे अगर आप 2 डैश करते तो फिर सेकेंड से लास्ट तक आता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी बीच का जो लेटर है वहां से कैरेक्टर्स को स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोगों का रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सकता है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, -3।
मतलब ये डॉलर कट माइनस बी माइनस थ्री, माइनस थ्री का मतलब डैश थ्री, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टू थ्री, ठीक है, इसीलिए हम लोग के फर्स्ट थ्री लेटर्स मिले, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग फाइव देते तो डैश फाइव देने से फर्स्ट से फिफ्थ तक आते हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बाय डिफॉल्ट वन आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग तरीके से रेंज भी कह सकते हैं, ओके। जैसे बी ऑप्शन है वैसे एक सी ऑप्शन है कॉलम, तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। जैसे 257, हम लोगों ने कॉमा देके कैरेक्टर्स को सेपरेट किया बाइट्स को, और ये सेकेंड बाइट, फिर फिफ्थ और सेवेंथ वाला आया। तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसे सेवेंथ वाला क्या है, स्पेस है, इसीलिए सिर्फ एन और आर ही आया, ओके। तो ऐसे ही आई आर यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जो देखा यहाँ पे भी, ये जो बिहार है सेकेंड फिफ्थ सेवेंथ क्या है, स्पेस है, इसीलिए वो ब्लैंक आया, ओके। तो इस तरीके से ये सब काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है रेंज, जैसे वो विदाउट रेंज था, ऐसे बीच में से रैंडम बाइट्स हम लोग लेते थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रेंज है। रेंज होने से क्या होता है, हम लोग को उनको जैसे अगर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक चाहिए या सेवन तक चाहिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये पूरा नहीं लिखना पड़ता। यहाँ पे आप 1 to 7 लिख दीजिए, 1-7, इससे हम लोगों को फर्स्ट सेवन जो है कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, ओके। याद रखिए बाइट में स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस कॉमा एनी कैरेक्टर सब कुछ काउंट होता है, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर्स ही काउंट होंगे। ऑलराइट, अब ये नेक्स्ट सेम हम लोगों ने जैसा बी का देखा था वो यूज वैसा ही है। 1-1 मतलब फर्स्ट से लास्ट तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे अगर हम लोगों ने फाइव फाइव हाइफन लिखा तो ये फाइव नंबर कैरेक्टर जो है, ये आर जो कैरेक्टर है वो आर से प्रिंट करेगा, आर ए पी आर ए डी एस एच, ठीक है। तो ये है 1-1 वाला। नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने वहां पे भी देखा था फर्स्ट से लेके फाइव तक ये जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फोर लिखते हो तो यहाँ पे पहले फोर आएंगे, 1 2 3 और फोर एच तक आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बाय डिफॉल्ट वाला रेंज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है ये डी एंड एफ ऑप्शन। ये जो ऑप्शंस है इसका क्या काम होता है, यहाँ पे जैसे स्पेस था, हम लोगों ने अभी तक जो जो देखा बी और सी ऑप्शन, इसमें क्या था, जब स्पेस होता था वो स्पेस को भी बाइट में काउंट कर लेता था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिलिमिनेटर का काम करता है। डिलिमिनेटर मतलब ये स्पेस को कट कर देता है, ओके। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो है स्पेस इसने प्रिंट नहीं किया, जहां तक ये इसने वन स्पेस सिर्फ डिलीट किया है। फर्स्ट वाला जो स्पेस था ये डिलीट हो चुका है और हम लोगों को पूरा फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट वर्ड जो है वो आउटपुट मिल गया, राइट। यहाँ पे एफ जो होता है वो फील्ड नंबर होता है, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग और भी बहुत सारे, सिर्फ सिर्फ जब हम लोग एफ यूज करते हैं तब ये पूरा फुल सेंटेंस जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग आउटपुट हम लोगों को मिल सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हम लोगों ने देखा कट कमांड में अलग अलग ऑप्शंस, जैसे कि बी ऑप्शन सी ऑप्शन, राइट। तो इसको ही हम लोगों को अलग अलग हिसाब से प्रैक्टिस करना है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इजी होता है और स्कोरिंग होता है, इसलिए जितना इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। थैंक यू।